सुबह की नींद काफी गहरी होती है, लेकिन जो ये चिड़ियों की आवाज होती है, इन आवाजों से अगर नींद खुले तो दिन पूरा का पूरा काफी अच्छा हो जाता है। काफी दिनों से कोशिश कर रहा था कि सनराइज दिखाऊं, सनराइज जैसे हमारे यहाँ पे ठंडियों में होता है, तो थोड़ी देर में वहां से सनराइज होने वाला है। सूरज की किरणें देखो पहाड़ियों को चीरती हुई इस वाली पहाड़ी पे, यानी कि द्वारी भीटा जिसे कहते हैं, उस वाली चोटी पर पहुंच चुकी है। दोस्तों आज काफी जल्दी उठ गए हैं, उसका रीजन ये है कि आज अपने गाँव में शादी का माहौल है आज से और 25 तारीख तक, तो आज से पूरा का पूरा गांव वहीं पर रहने वाला है। यानी कि जो आपको ताऊ जी का घर यहां से दिखाई दे रहा है, आज से सब कुछ यहीं पर रहने वाला है। सुबह आने में थोड़ी सी देरी हो गई, यानी कि अपना कुछ काम दाम कर रहे थे और अब पहुंचे हैं यहां पर। तो यहां पर पाक बना रहे हैं चाचा, वैसे तैयार हो ही चुका है वैसे ना, काफी चीजें मिस हो गई है सुबह सुबह। तो पाक बनाने की तैयारी हो रही है भाई, यानी कि चावल का आटा मिक्स किया जा रहा है उबलते हुए गुड़ में। अरसे बनाने के लिए तो भाई पूरी तैयारी हो रही है, यानी कि पूरा पाक बन रहा है। और पाक जो बनता है ना, बहुत ताकत लगानी पड़ती है भाई, बहुत ताकत इसमें, क्योंकि मैंने बनाया है ना, इसलिए कह रहा हूँ। और यहाँ पर बन रहे हैं भूड़े, यानी कि जो दाल के पकौड़े होते हैं वो बनाए जा रहे हैं। अभी तक जो पीठू बनाया था, यानी कि पूरा पाक बनाया था, अब उससे अरसियां बनना शुरू हो गई हैं। और अरसी की बात ही अलग है यार, जैसे गरम गरम जब खाते हैं ना, तो गरम गरम टेस्ट ही अलग होता है इसका। और काफी मतलब एक आध महीने तक ऐसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, अगर जैसे बना के रखते हैं ना, तो काफी लंबे समय तक चलती है। इनकी वीडियोस बनाओ वाला आ गए हैं यहाँ पे, थोड़ा दिखाते हैं इनको। साथ में अरसियाँ तो बनी रही है, और जो भूड़े थे भूड़े बनकर रेडी हो चुके वैसे भी। तो ये हैं पकोड़े, जो हमारे यहाँ पे दाल के पकोड़े बनाए जाते हैं। अभी तो शायद और बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी रखा अभी ना, तो अभी देखते हैं जैसे ही बनेंगे तब बताऊँगा। और गांव में जब शादी ब्याह का माहौल होता है तो लगभग काफी सारे लोग आते हैं, लगभग पूरे गांव के लोग आते हैं ना। और बहुत टाइम बाद अपने गांव में एक लड़के की शादी है, काफी टाइम से लड़कियों की ही शादी होती जा रही थी, लेकिन इस बार लड़के की शादी है, तो इस बार गांव है ना जो भरा रहेगा, पूरा अच्छा रहेगा, मजा आएगा। तो यहाँ पर ये तिरपाल कल लगाया था, जो कल दिखाया था मैंने कल के व्लॉग में। और साथ में यहाँ से सामने गड़ियाँ द्वारी, और जो अपने यहाँ का जो पिनगट गदेरा है वो भी काफ़ी प्यारा, काफ़ी खूबसूरत। और ये रहा हमारे गांव का स्कूल, जो कि मुझे लग रहा शायद अभी बंद हो रखा है, या अभी टाइम हुआ नहीं है स्कूल के बच्चों का। अरसियाँ तो बन रही है भाई, साथ में पूड़ी बनाने के लिए आटा गूंथा जा रहा है। हमारे यहाँ पे शुभ माना जाता है साथ में पूड़ी बनाना। हाँ क्या हो गया, टाइट करना, बिल्कुल टाइट होना चाहिए। और यहाँ पर अभी अरसे बनी रहे, अभी टाइम लगने वाला है थोड़ा सा। अभी तो और बन रहा है ना, अभी और अरसियाँ बनेंगी, अभी तो थोड़ी बहुत बनी है। उस साइड में फिर से वहाँ पर पाक बन रहा है, जहाँ पर चाचा है ना, चाचा वहाँ पे पाक बना रहे हैं फिर से। कुछ और पीठा भी, अभी जितना यहाँ पर ये पहले बना था उतना ही और बनने वाला है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि थोड़ी देर में जाएंगे अरसे भूड़े बांटने के लिए, देखते हैं आसपास के गांव में जाएंगे, टोटली डिपेंड किस गांव में जाते हैं, मतलब जैसे जैसे अरसे भूड़े बनते हैं तो अगल बगल गांव का न्योता जाता है, यानी कि शादी में इनवाइट किया जाता है। तो उसको एक तरीका है कि कार्ड दे दें, लेकिन कार्ड एक मतलब वो फील नहीं आती है ना, वो कहीं ना कहीं वो रह जाता है। तो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, अलग से मिठाई बनाई जाती है गांव में, जैसे कि गांव वाले बनाते हैं, फिर वो फैमिली जो सामने वाले गांव है उनको मिठाई से इनवाइट करते हैं मिठाई देने के बाद में। ये एक बहुत अच्छा कल्चर है ना, बहुत अच्छा। सामने पिनानी गांव, यहाँ बिल्कुल लास्ट में क्या वैली दिखाई दे रही है ना, हरी भरी। तो
अरसियाँ लास्ट बची है, वहाँ पर बन रही है अभी, थोड़ा बहुत बचा है और उसके बाद में फिर पकोड़ा बनना शुरू होगा। पकोड़े क्या दिखाने यार, सबको पता ही है कैसे बनते हैं। अगर हम टाइम से इधर आ गए, अभी हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो सामान एक बार लेके आते हैं। दरअसल शादी ब्याह का आज से मतलब पूरी तैयारी ना, आज मेहंदी की नाइट है, तो आज बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे भाई, फिल्म दिखाएंगे आपको पूरे अच्छे से। कुछ कहना चाह रहे हैं? बाकी नाश्ता पानी हो गया, सब कुछ हो गया, और शादी तो यहाँ पर हो रही है अभी, जहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। तो वो देखो भाई दिखाई दे रहा है, जिसकी शादी है। जब भी गांव में कोई कार्य होता ना, तो हर कोई अपने चौके की लिपाई पुताई, घर की साफ सफाई करके रखते हैं भाई, बिल्कुल मस्त तरीके से। चाची ने भी मेहंदी लगा दी है, देखो मैं पिछले, ऐसे मत बोलो चाची, तो सफाई है, चाची ने गोबर लगा रखा है। सफाई तो सफाई है, दादी को देखो, दादी कितनी मस्त लग रही है आज। दादी बराबर झाड़े में, चाची कह रही है दादी के बराबर, बोला कितना बड़ा झाड़ू पकड़ रखा है। तो लिपाई पुताई हो रही है आजकल, और ये है अपना गांव, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत। तो भाई सामान लेके जा रहे, अभी एक दो बार और आना है, फिर पूरा सामान चले जाएगा। फिर बढ़िया यार, मजेदार, गांव की लाइफ में यही तो है अच्छी चीज, कि सब मिलजुल के काम करते हैं ना। तो भाई गांव का काम धाम कंप्लीट, अभी दिन का खाना चल रहा है। यहाँ पर भी अभी ना सारे गांव के लोग आएंगे दरअसल खाने के लिए। ताऊ जी हो गए, चाचा हो गए, दादा हो गए, सब लगे हैं खाने पे। तो आज दाल और चावल बनाए। तो अभी ऐसा करते हैं कि खाना खाना शुरू करते हैं, और थोड़ी देर में गांव के लोग भी आना शुरू हो जाएंगे, फिर खाना खिलाना शुरू करेंगे सबको। चाचा दे रहे हैं सबको चावल, इस साइड में ताऊ जी और सब खाना खा रहे हैं, और साथ में हमारी थालियां भी सज चुकी हैं। खाना दिल कम हो गया भाई। खाना कम नहीं, अभी आ रहा है और आएगा। अच्छा अच्छा एक शाम का टाइम है और पूरा इंतजाम हो रहा अभी के टाइम पे, यानी कि आपको जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ना, कनात कुनात लगाई गई है। तो आज मेहमान वेहमान जो भी आएंगे, गांव के जितने भी होंगे, सब यहां पे आके खाना वाना सबका यहीं पर होने वाला है। तो हम चलते हैं नीचे, और एक गुड़िया देखो, भतीजी है। अभी के टाइम पर भाई कीर्तन भजन हो रहे हैं, और देखो फूफू नाच रही है वहाँ पे। अभी के टाइम पर कीर्तन भजन चल रहे हैं, साथ में वहाँ पे तैयारी हो रही है, यानी कि शाम की, और साथ में जो कीर्तन भजन जितने भी लोग कर रहे हैं ना, इनके लिए चाय पानी की। तो वहाँ पे चलते हैं, चाय बनाते हैं साथ में, और जब फिर उसके बाद में आगे का प्रोसेस होगा तो उसको दिखाएंगे। फिर लगभग ऑलमोस्ट जितना भी काम होना था तैयारियाँ, वो कंप्लीट हो चुकी है, अभी चल रहा है अपना चाय पानी। क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा बहुत ठंडियों का मौसम, ओबियसली बात है ठंड लगेगी ही ना। और साथ में यहाँ पर ये जितने भी कनात लगाए हैं, और यहाँ पर पीछे को, यानी कि वहाँ पर जो दिखाई दे रही है, मेहमानों के लिए कुर्सियाँ लग गई है, सब कुछ लग गया, और छत में सूख रही हैं मिर्चियाँ। तो दोस्तों शाम का टाइम है, शाम के टाइम पे घर पे आ रखा हूँ, शादी का माहौल तो है, और साथ में वहाँ पे खाना पीना बन रहा है। तो अभी तक काम ही कर रहे थे, तो काम करने के बाद में जस्ट फ्री हुए हैं यार। बाकी शादी के लिए घर भी सज चुका है ना, देखो कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। तो यहीं से थोड़ा सा उधर को, जो हमने पूरे दिन भर काम किया, यानी कि काम करने का मतलब सजावट करी है, तो उसी के सामने करी है, और मेहमान लोग भी सारे आ ही चुके हैं वैसे भी। तो आज मेहंदी की नाइट है, तो मेहंदी की नाइट में आज आपको दिखाएंगे थोड़ा बहुत कि क्या कैसे होने वाला है, थोड़ा बहुत दिखाएंगे, थोड़ा बहुत इसी व्लॉग में। बाकी अभी ऐसे करते हैं, थोड़ा घर पे आया हूँ,
थोड़ा चाय चुई पीते हैं, वैसे वहाँ पे भी बनी है लेकिन अभी घर पे रखा था तो यहीं से चलते हैं। ओके है ना, फिर उसके बाद में सीधा वहाँ पे जाके दिखाते हैं आपको। आँखों ही आँखों में बातें हुई, बातों ही बातों में रातें हुई, मुझ पे नशा उसका हो गया, मैं करूँ क्या है कुछ ना पता। नजर मिली नशा चढ़ा, खोया करार है, जब से तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है। नजर मिली नशा चढ़ा, खोया करार है, जब से तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है। अब तो ख्यालों के दर्पण में वो ही नजर मुझको आती है, समझ न आए दिल कहाँ जाए, क्यों इतना मुझे भाती है। आज कल आए मुझ पे हवाएं, इश्क बड़ा बरसाती है, लगता है मुझ पे हुई है इनायत रब की कोई हंसी। नजर मिली नशा चढ़ा, खोया करार है, जब से तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है। नजर मिली नशा चढ़ा, खोया करार है, जब से तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है। तूने दिल को छुआ ऐसा लगा प्यार है। नजर मिली नशा चढ़ा, खोया करार है, जब से तूने